हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिज चैनल। दोस्तों, मैं फिजिकल एजुकेशन की चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का प्रैक्टिस करा रही हूँ। दोस्तों, चैप्टर चल रहा है आपका गति विज्ञान एवं जीव यांत्रिकी विज्ञान यानी किन्सियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स से रिलेटेड, जिसमें से न्यूटन्स लॉ, लीवर, प्लेन एंड एक्सिस क्या है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे दोस्तों। एंड यह पार्ट टू है दोस्तों। एंड दोस्तों, यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम चाहे TGT, PGT, KVSE, NVSE, LT, राजस्थान PTI, DSSB, कोई भी एग्जाम हो, सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मेरे चैनल पे सभी वीडियो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, वो भी बिल्कुल फ्री में दोस्तों। एंड दोस्तों, 100 से ज़्यादा वीडियो प्रीवियस ईयर MCQ क्वेश्चन पर बनाए गए हैं। एंड डेली बेसिस पे आपको चैप्टर वाइज MCQ का प्रैक्टिस कराया जा रहा है। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं आज के प्रश्नों की तरफ। दोस्तों, क्वेश्चन है, गति विज्ञान का पितामह कहा जाता है। तो गति विज्ञान यानी किन्सियोलॉजी का पितामह कहा जाता है अरस्तु को। इसको दोस्तों पेशीय विज्ञान भी कहते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, गति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है शरीर रचना का, कि शरीर से संबंधित गतिविधियों का, कि शरीर क्रिया विज्ञान का। तो दोस्तों, शरीर रचना का अध्ययन एनाटॉमी में किया जाता है शरीर रचना विज्ञान में, एंड शरीर क्रिया विज्ञान का अध्ययन फिजियोलॉजी में किया जाता है। एंड दोस्तों, शरीर से संबंधित गतिविधियों यानी गतियों का अध्ययन किया जाता है आपका गति विज्ञान में यानी किन्सियोलॉजी में, जिसे पेशीय विज्ञान भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, किन्सियोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई है किस भाषा में हुई है। दोस्तों, यह ग्रीक भाषा से हुई है। किन्सियोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, ग्रीक भाषा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर को गति प्रदान करते हैं मांसपेशियां कि शरीर के जोड़। तो दोस्तों, हमारे जो शरीर के जोड़ है, ज्वाइंट्स हैं, वो हमारे शरीर को गति प्रदान करते हैं। नेक्स्ट, किंसित शब्द का अर्थ है। दोस्तों, हमारा किन्सियोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, किंसित और लोगस। किंसित शब्द का अर्थ है गति। एंड दोस्तों, नेक्स्ट है, लोगस ग्रीक भाषा का अर्थ है। तो दोस्तों, लोगस का अर्थ है अध्ययन करना, यानी किन्सिस और लोगस। किन्सिस मतलब गति, लोगस मतलब अध्ययन करना, यानी गति का अध्ययन करना, किन्सियोलॉजी। नेक्स्ट दोस्तों, विज्ञान क्रमबद्ध सुगठित ज्ञान है जो आधारित है किस पे, परीक्षित पर, सत्यापित पर, किसो व्यवस्थित एवं वर्गीकृत परीक्षणों पर, यह सभी पर। दोस्तों, विज्ञान जो है क्रमबद्ध सुगठित ज्ञान है जो इन सभी पर आधारित है। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक किसे मिलाकर नए विज्ञान गति विज्ञान का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों, शरीर रचना विज्ञान, क्रिया विज्ञान दोनों को मिलाकर गति विज्ञान का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, गति विज्ञान दो ग्रीक शब्द से मिलकर बना है, किसे, किन्सियोलॉजी, किन्सिस प्लस लोगस। किन्सिस का मतलब गति, लोगस का मतलब अध्ययन करना, यानी गति का अध्ययन करना। नो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट दोस्तों, अरस्तु ने गति अध्ययन के संबंध में पुस्तकों की रचना की है। कौन कौन से पुस्तकों की रचना की है, यहाँ पे ऑप्शन है, पार्ट्स ऑफ एनिमल, मोमेंट ऑफ एनिमल, प्रोग्रेशन ऑफ एनिमल। तो दोस्तों, उपरोक्त सभी यहाँ पे सही है। इन सभी पुस्तकों की रचना अरस्तु ने गति अध्ययन के संबंध में किया है। नेक्स्ट है, गति विज्ञान को विकसित करने में भूमिका निभाई है, न्यूटन, आर्किमिडीज, के वर्मा, अरस्तु। तो दोस्तों, गति विज्ञान के जनक ही कहे जाते हैं अरस्तु, और उसको विकसित करने में भूमिका निभाई है अरस्तु ने। नेक्स्ट दोस्तों, विज्ञान क्रमबद्ध एवं सुसंगठित ज्ञान है, यह कथन है सत्य की असत्य। तो दोस्तों, विज्ञान क्रमबद्ध एवं सुसंगठित ज्ञान है, यह कथन सत्य है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, मानव शरीर में मूलभूत संधियों की गतिविधियां हैं। तो दोस्तों, हमारे शरीर में फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, रोटेशन, ये सभी गतियां होती हैं। तो यहाँ पे यह सभी सही होगा। दोस्तों, ज्वाइंट्स वाले वीडियो में, ज्वाइंट्स मूवमेंट्स वाले वीडियो में, किन्सियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स के प्लेलिस्ट में जाकर के देखेंगे तो सभी मूवमेंट्स के बारे में मैंने डिटेल में बताया हुआ है। नेक्स्ट दोस्तों, मांसपेशियों की गति की ज्यामिति व्याख्या एवं रचना का श्रेय दिया जाता है। तो इसको भी श्रेय दिया जाता है अरस्तु को। जितना भी गति विज्ञान से रिलेटेड है दोस्तों, सबका श्रेय अरस्तु को दिया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, किन्सियोलॉजी यानी गति विज्ञान में अध्ययन का क्षेत्र है एनाटॉमी एवं फिजियोलॉजी, भौतिकी एवं गणित, अर्थशास्त्र। नहीं दोस्तों, एनाटॉमी एवं फिजियोलॉजी अध्ययन का क्षेत्र है जिसको मिलाकर के गति विज्ञान बना हुआ है।
नेक्स्ट है मांसपेशियों में ज्यामिति व्याख्या करने का सर्वप्रथम श्रेय जाता है तो अरस्तु को। देख लीजिए दोस्तों एक ही क्वेश्चन को कितना बार घुमा घुमा के बना सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों गति विज्ञान में मानवीय निष्पादन से संबंधित गतियों का अध्ययन है तो एकदम राइट है। गति विज्ञान में मानव से शरीर के संबंधित जो गतियां हैं उसके बारे में अध्ययन किया गया है तो यहाँ पे आपका करें ऑप्शन नंबर ए सत्य है। नेक्स्ट है दोस्तों किस विद्वान ने चलने की क्रिया का विश्लेषण एवं विवेचन किया है तो किस विद्वान ने चलने की क्रिया का विश्लेषण एवं विवेचन किया है तो अरस्तु ने। किसी भी प्रकार से गति की बात हो तो अरस्तु ही सही रहेगा। नेक्स्ट है दोस्तों प्रोगेशन ऑफ एनिमल्स नामक पुस्तक के लेखक हैं तो किसने लिखा है दोस्तों अरस्तु ने लिखा है। प्रोग्रेशन ऑफ एनिमल्स नामक पुस्तक को किसने लिखा है अरस्तु ने। नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ एनिमल्स नामक पुस्तक किसने लिखा है इसको भी लिखा है अरस्तु ने। नेक्स्ट है दोस्तों मूवमेंट्स ऑफ एनिमल्स नामक पुस्तक किसने लिखा है तो इसको भी लिखा है अरस्तु ने। नेक्स्ट है सर आइजैक न्यूटन के नियम प्रतिपादित किए थे दोस्तों न्यूटन ने कौन सा नियम प्रतिपादित किया था तो सर आइजैक न्यूटन ने गति के तीन नियमों का प्रतिपादन किया था 1687 ईस्वी में अपने पुस्तक प्रिंसिपिया में। उन्होंने गति के तीन नियम बताए थे। पहला नियम जड़त्व का नियम जिसे जड़ता का नियम अकर्मण्यता का नियम और गैलीलियो का नियम भी बोला जाता है और दूसरा नियम त्वरण का नियम जिसे संवेग का नियम एंड एक्सीलरेशन एंड मोशन एंड मोमेंटम का नियम और बल के प्रतिफल का नियम कहा जाता है और तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जिसे एक्शन रिएक्शन का नियम भी बोला जाता है जिसे काउंटर फोर्स लॉ एंड लॉ ऑफ रेसिप्रोकल एक्शन भी बोला जाता है। नेक्स्ट दोस्तों चलने की क्रिया में अरस्तु द्वारा गतियों का उल्लेख किया गया कौन से गति का अध्ययन किया गया घूर्णन गति और स्थानांतरित गति। ठीक है ऑप्शन नंबर सी है ए एंड बी दोनों। नेक्स्ट है गति विज्ञान को कहा जाता है बल का विज्ञान की पेशी विज्ञान कि अंग संचालन विज्ञान यह सभी तो दोस्तों गति विज्ञान को बल का विज्ञान भी कहा जाता है पेशी विज्ञान भी कहा जाता है अंग संचालन विज्ञान भी कहा जाता है सबका अर्थ एक ही है तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा यह सभी। नेक्स्ट है दोस्तों विराम के विपरीत दिशा को क्या कहते हैं तो दोस्तों या तो वस्तु गति अवस्था में रहती है या तो विराम अवस्था में रहती है तो विराम के विपरीत दिशा को क्या कहते हैं गति कहते हैं। क्या कहते हैं गति कहते हैं। नेक्स्ट है गति का अध्ययन किया जाता है तो गति का अध्ययन किसमें किया जाता है दोस्तों शुद्ध गतिकी में बल गतिकी में तो इन दोनों में। नेक्स्ट है वस्तु में दोनों एक साथ हो सकती हैं क्या दोस्तों दोनों एक साथ क्या यहाँ पे हो सकता है दोस्तों विराम और गति तो दोनों एक साथ हो नहीं सकती क्योंकि या तो वस्तु विरामावस्था में स्थिर रहेगा या तो गतिमान रहेगा दोनों एक साथ नहीं रहेगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा सरल रेखीय गति व घूर्णन गति दोनों एक साथ हो सकती है। नेक्स्ट दोस्तों गति एवं विराम सापेक्षिक शब्द हैं यह कथन है तो यह सापेक्षिक शब्द है गति एवं विराम दोस्तों यहाँ पे सत्य है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर एक जटिल रचना नहीं है यह कथन है तो दोस्तों मानव शरीर एक जटिल रचना है यहाँ पे दिया है नहीं है यहाँ पे असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों मानव शरीर एक जटिल रचना है जिस पर सिद्धांत लागू होता है यांत्रिकी जैव यांत्रिकी किसका सिद्धांत लागू होता है दोस्तों तो यहाँ पे यांत्रिकी और जैव यांत्रिकी दोनों का सिद्धांत लागू होता है ए एंड बी दोनों होगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है मानव शरीर का प्रभावशाली ढंग से कार्यशील होना आधारित है तो मानव शरीर का प्रभावशाली ढंग से कार्यशील होना आधारित है किस पे दोस्तों किस पे आधारित है यहाँ पे दिया है ऑप्शन जैव यांत्रिकी पेशी एनाटॉमी एंड न्यूरोमस्कुलर फिजियोलॉजी तो दोस्तों इन दोनों से रिलेटेड है। ठीक है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गति विज्ञान के नियमों का प्रयोग किया जाता है यह नियम लिए गए हैं किससे यह नियम किससे लिए गए हैं दोस्तों जैव यांत्रिकी विज्ञान से कि अभ्यास मनोविज्ञान से कि जैव रसायन एवं खेल समाजशास्त्र से तो इन सभी से लिए गए हैं यहाँ पे यह सभी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गति विज्ञान क्षेत्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है गति की गुणवत्ता का कि संपूर्ण मानव स्वास्थ्य का कि ए एंड बी दोनों का कि इनमें से कोई नहीं तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा ए एंड।
गति की गुणवत्ता का संपूर्ण मानव स्वास्थ्य का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, किसी वस्तु में गति करने में आवश्यकता होती है किसकी दोस्तों? किसी वस्तु की गति करने में वाह्य बल की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? वाह्य बल की। जैसे कि दोस्तों हमारे न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार, जड़ता के नियम के अनुसार, जड़त्व के नियम के अनुसार, कोई वस्तु यदि विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी, और गति अवस्था में है तो गति अवस्था में ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई वाह्य बल न लगाया जाए। ठीक है, तो किसी वस्तु को गति करने के लिए क्या आवश्यक है दोस्तों? वाह्य बल की, ये ध्यान में रखिएगा। यह किस नियम, न्यूटन के किस नियम के अंतर्गत आता है? प्रथम नियम के अंतर्गत, जड़त्व के नियम के अंतर्गत। नेक्स्ट दोस्तों, खिलाड़ियों के घायल हो जाने पर वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं किसका? शरीर क्रिया विज्ञान का, कि शरीर रचना विज्ञान का, कि जैव यांत्रिकी विज्ञान का, कि इन सभी का? तो दोस्तों इन सभी का अध्ययन करते हैं, कोई खिलाड़ी घायल हो जाता है तो। नेक्स्ट दोस्तों, हृदय पेशियां कार्य करती हैं। तो दोस्तों हृदय पेशियां जो है दोस्तों, यह अनैच्छिक पेशी है एक प्रकार का, यह हमारे इच्छा पर कंट्रोल नहीं करता है, यह जीवन प्रयत्न चलता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, जैव यांत्रिकी विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। तो जैव यांत्रिकी विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों? जीवित प्राणियों द्वारा लगाए गए बल का, गुरुत्व केंद्र का। ठीक है, जीवित प्राणियों द्वारा लगाए गए बल का और गुरुत्व केंद्र का अध्ययन किया जाता है जैव यांत्रिकी विज्ञान में। जैसे कि दोस्तों किन्सियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स, किन्सियोलॉजी यानी गति विज्ञान में हमारे शरीर की गति का अध्ययन किया जाता है, और जैव यांत्रिकी यानी कि बायोमैकेनिक्स में हमारे प्राणियों द्वारा लगाए गए बल का, और जो हम उपकरण प्रयोग करते हैं हमारे प्राणियों द्वारा लगाए गए या उपयोग किए गए उपकरण के गति का अध्ययन किया जाता है जो यांत्रिकी विज्ञान में। तो यहाँ पे गुरुत्व केंद्र का, जीवित प्राणियों द्वारा लगाए गए बल का अध्ययन किया जाता है। ए एंड बी दोनों सही रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिशा व परिणाम होने के कारण बल क्या है दोस्तों? तो जिसमें दिशा व परिणाम दोनों हो तो उसके कारण बल क्या है? सदिश राशि है। क्या है बल? सदिश राशि है दोस्तों, दो राशि में बांटा गया है, सदिश और अदिश। जिसमें दिशा और परिणाम दोनों का आवश्यकता होती है उसके सदिश राशि कहते हैं, जिसमें केवल परिणाम की आवश्यकता होती है उसको अदिश राशि कहते हैं। तो बल क्या है? बल में दिशा और परिणाम दोनों होने के कारण यह एक सदिश राशि है, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा एवं खेल कूद की गतिविधियों में खिलाड़ी गति उत्पन्न करते हैं। तो दोस्तों शारीरिक शिक्षा खेल कूद में खिलाड़ी अक्सर हमारे अपने हाथ पैर अपने मांसपेशियों का अध्ययन मांसपेशियों से बल लगाते हैं, तो यहाँ पे मांसपेशीय बल सही होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शारीरिक शिक्षा या खेल कूद की गतिविधियों में खिलाड़ी गति उत्पन्न करते हैं किसके द्वारा दोस्तों? मांसपेशीय बल से। किसके द्वारा? आप हाथ पैर इधर उधर करते हैं, मुड़ते हैं और कार्य करते हैं या बाल को कैच करते हैं, तो मांसपेशीय बल से। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, अरस्तु ने अपनी किस पुस्तक में पशुओं के शरीर को यांत्रिकी व्यवस्था माना है? तो दोस्तों मूवमेंट्स ऑफ एनिमल्स में उन्होंने पशुओं के शरीर को यांत्रिकी व्यवस्था माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किससे खेलों में संतुलन बनाए रखने में सहायता मिलती है? गुरुत्व केंद्र में शरीर का असंतुलन होना। तो दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, गुरुत्व केंद्र। जिसका गुरुत्व केंद्र जितना ही नीचा होगा दोस्तों, उसका उस वस्तु का या व्यक्ति का संतुलन उतना ही अच्छा होगा। जैसे कि दोस्तों, जैसे कि महिलाओं का गुरुत्व केंद्र पुरुषों के गुरुत्व केंद्र से नीचा होता है, जिससे जिससे कि जो संतुलन वाला खेल होता है, क्रिया होता है, वो महिलाएं पुरुषों से ज्यादा बेटर कर लेती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में तैरने वाले सजीव प्राणियों की गति का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों जो पानी में तैरने वाले सजीव प्राणियों की गति का अध्ययन द्रव्य गतिकी में किया जाता है। किसमें? द्रव्य गतिकी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा एवं खेल कूद से संबंधित तैराकी में प्रशिक्षण के लिए आवश्यक है। तो दोस्तों किसका आवश्यक है? जो यांत्रिकी विज्ञान का आवश्यक है। ठीक है, शारीरिक शिक्षा में खेल कूद से संबंधित तैराकी में प्रशिक्षण के लिए क्या आवश्यक है? तो जो यांत्रिकी विज्ञान। ठीक है, कि हम अपने अंगों का कैसे प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, गति के नियमों को प्रतिपादन करने का श्रेय मिलता है तो किसको मिलता है? तो गति के तीन नियमों का प्रतिपादन किया है सर आइजेक न्यूटन ने, जड़त्व का नियम, त्वरण का नियम, क्रियाप्रतिक्रिया के नियम।
नेक्स्ट दोस्तों, सर आइजैक न्यूटन द्वारा गति के कितने नियमों को प्रतिपादित किया है? तो 3 नियमों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के प्रथम नियम को जाना जाता है? तो दोस्तों गैलीलियो का नियम, जड़त्व का नियम, ए एंड बी दोनों होगा यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा दोस्तों। जैसे कि न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं दोस्तों, इसको जड़त्व का नियम, जड़ता का नियम, अकर्मण्यता का नियम, लॉ ऑफ इनर्सिया, गैलीलियो का नियम आदि नामों से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव यांत्रिकी विज्ञान से हमें ज्ञान मिलता है इसका दोस्तों, बल आघूर्ण का, गुरुत्व केंद्र और संतुलन का, ऊर्जा सामर्थ्य, कार्य गति आदि का। तो इन सभी का हमको ज्ञान मिलता है किससे? जैव यांत्रिकी विज्ञान से, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, खेल प्रशिक्षक खिलाड़ियों का परिचित करवाता है किससे? खेल प्रशिक्षक खिलाड़ियों से किसका परिचित करवाता है दोस्तों? काइनेटिक्स का, काइनेमेटिक्स का, दोनों का। नेक्स्ट है, गति के प्रकार हैं रेखीय गति, अनियमित गति, दोलनीय गति, वृत्तीय गति, यह सभी। तो दोस्तों यह सभी गति के प्रकार हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, न्यूटन के गति के तृतीय नियम को क्या कहा जाता है? जैसा कि आप सबको पता है, न्यूटन के गति के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है, जिसे एक्शन रिएक्शन एंड काउंटर फोर्स लॉ, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल एक्शन भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी गतिमान वस्तु को रोका जा सकता है गुरुत्व के प्रभाव से, कि हवा के प्रतिरोध से, कि ए एंड बी दोनों? तो दोस्तों किसी गतिमान वस्तु, कोई वस्तु गतिमान है तो गतिमान हमेशा नहीं रहती है, रुक जाती है। तो कैसे रुकती है? वह गुरुत्व के प्रभाव से और हवा के प्रतिरोध से और घर्षण बल के कारण रुकता है दोस्तों। जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ए एंड बी दोनों। जैसे कि आप गेंद को दोस्तों फेंके, गेंद के फेंकने के बाद वह हवा में जाता है, यानी कि बहुत दूर जाता है, कुछ दूर जाने के बाद वह रुक जाता है। क्यों रुकता है? हवा के प्रतिरोध के कारण, घर्षण बल के कारण और गुरुत्व के प्रभाव के कारण, यानी वाह बल के कारण वह रुकता है। नेक्स्ट दोस्तों, ब्रह्मांड में दो पिंडों के मध्य कार्य करने वाले बल को कहते हैं? तो दोस्तों ब्रह्मांड में दो पिंडों के मध्य कार्य करने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट दोस्तों, यदि गतिमान वस्तु पर वायु प्रतिरोध, घर्षण बल व गुरुत्वाकर्षण बल अनुपस्थित हो तो क्या होगा? वस्तु क्या होगा दोस्तों? जब किसी वस्तु पर गति, कोई वस्तु गतिमान है, गति अवस्था में है और वायु प्रतिरोध, घर्षण बल व गुरुत्वाकर्षण बल अनुपस्थित हो तो वह वस्तु क्या होगी? सदैव गतिमान रहेगी। गतिमान है तो सदैव गतिमान रहेगी। जब उस पर कोई प्रतिरोध लगेगा ही नहीं तो वह कैसे रुकेगा? तो वह रुकता कैसे है? वायु प्रतिरोध, घर्षण बल और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो दोस्तों जब यह अनुपस्थित रहेगा गतिमान वस्तु पर तो वह सदैव गतिमान रहेगा, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैराक तैरते समय पानी को पीछे धकेलता है क्यों? तो दोस्तों तैराक जो तैरता है तो पानी को पीछे धकेलता है, तो तैराक क्या रहता है? आगे जाता है। तो यह क्या हुआ? वह परिणाम स्वरूप आगे जाता है इसलिए पीछे धकेलता है। तो इसमें कौन सा लॉ लगा दोस्तों? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, परिणाम स्वरूप वह आगे जाता है। तो यह न्यूटन का कौन सा नियम इसमें लगेगा? तैराक जब तैरते समय पानी को पीछे धकेलता है वह आगे जाता है, तो जितना बल से वह पीछे धकेलता है उतना बल से वो आगे जाता है, यानी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, न्यूटन का तीसरा नियम इस पे लागू होता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे दोस्तों। कोई भी आपके मन में डाउट होगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए दोस्तों। एंड दोस्तों यदि फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए दोस्तों, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।